क्लास 12th के बाद चार प्राइमरी कंसर्न्स होते हैं किसी भी स्टूडेंट के। नंबर वन, सर ग्रेजुएशन में हमें क्या करना चाहिए। नंबर टू, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स हमें साथ में करना चाहिए। कंसर्न नंबर थ्री, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या साथ साथ में करना चाहिए। एंड कंसर्न नंबर फोर, वंस वी आर डन विद आर ग्रेजुएशन और वंस वी आर डन विद आर प्रोफेशनल कोर्स, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। करियर आफ्टर 12th एक हमारी सीरीज़ है जिसका ये पहला एपिसोड है। इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि क्लास 12th के बाद कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगले दो एपिसोड्स के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, इवन स्पेशलाइजेशन क्या कर सकते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, ये भी हम बात करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसके लिए लिंक मिल जाएगा। हाय, मैं हूँ सी ए गौरव सबरवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। चल जी, बात शुरू करते हैं अपनी। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। अपना डिस्कशन शुरू करें इससे पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, जिन भी कोर्सेज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो ऐसे कोर्सेज हैं जो इंडिया में रह करके करे जा सकते हैं और जिनके जॉब्स भी इंडिया के अंदर अबंडेंटली अवेलेबल हैं। अगर आप एक सीरीज चाहते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप कहाँ कहाँ कोर्स करने के लिए जा सकते हैं अपने फ्यूचर के अच्छे करियर के लिए, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे बताएं ताकि उसके ऊपर भी मैं काम शुरू कर सकूं। एंड अगेन, जिन भी कोर्सेज के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे रखा है, डिटेल में जाके उन्हें भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज के साथ और हम एंड करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज के साथ। तो सबसे पहला कोर्स हमारा आता है सीएमए यूएसए। अगर आपने क्लास 12th किया है तो आप इमीडिएटली इस कोर्स को परस्यू करते हैं। इट टेक्स अबाउट 8 to 10 months टू कंप्लीट दिस क्वालिफिकेशन, यानी कि अपने ग्रेजुएशन के पहले साल के अंदर ही आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑल्सो दिस इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स। अपने ग्रेजुएशन के साथ आप इस कोर्स के अंदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी कॉस्ट घट करके सिर्फ 60,000 के आसपास रह जाती है। कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जल्दी हासिल करने का फ़ायदा यही होता है कि भाई हम फ्री हो जाते हैं ये देखने के लिए कि आगे जा कर के हम कौन कौन से कोर्सेज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ या फिर कोई हैवी कोर्सेज आप करना चाहते हैं जैसे कि CFA हो गया या फिर MBA के लिए CAT का प्रिपरेशन चाहते हैं तो वो भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करके अपना करियर के अंदर एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन कर चुके होते हैं। इफ़ यू वंडरिंग कि सर CMA USA के साथ कौन सा ग्रेजुएशन हमें करना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर BBA एंड BMS। BCOM भी आप कर सकते हैं बट ये क्वालिफिकेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं। कई सारे कॉलेजेस इन कोर्सेज के साथ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन भी देते हैं। इफ़ यू कैन फाइंड अ कोर्स लाइक दैट, दैट वुड बी इवन मोर प्रेफरेबल। 18 कॉमर्स अकेडमी पे हम खुद CMA USA पढ़ाते हैं। इनफैक्ट इसकी नेक्स्ट बैच 27 जून को शुरू होने वाली है। इसके बारे में अगर आप इंक्वायर करना चाहते हैं तो ये नंबर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कोर्स के साथ। लेट्स टॉक अबाउट FRM USA। FRM एक रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स है। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी ऐसे क्वालिफिकेशन को लोगों को हायर करते हैं, और अगर आप भी क्लास 12th के बाद इस कोर्स को परस्यू करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ समथिंग दैट इज़ हाईली सॉट आफ्टर नाउ बाई ईच एंड एवरी कंपनी। बट इस कोर्स को मैं आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में परस्यू करने के लिए नहीं बोलूँगा। आपका सेकेंड ईयर चल रहा है या फिर थर्ड ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का, तब आप इस कोर्स को करें तो बेटर है, क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपकी नॉलेज यहाँ पर अपडेटेड रहेगी। प्लस ये कोर्स आपका विद इन 1 ईयर फिनिश हो जाता है, और ये कोर्स बहुत ही तगड़ा वैल्यू ऐड करता है CFA क्वालिफिकेशन या MBA फाइनेंस क्वालिफिकेशन के अंदर। आई एम नॉट श्योर कि आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भी कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चलते रिस्क मैनेजमेंट की कमेटियाँ बनानी पड़ती हैं, जिसके अंदर FRM का एक अहम रोल होता है, और ये रिक्वायरमेंट इंडिया में और ऑल अक्रॉस द ग्लोब भी होती है, मेकिंग दिस क्वालिफिकेशन ए वेरी क्रूशल क्वालिफिकेशन फॉर एनी कॉमर्स प्रोफेशनल। स्पेशली इंडियन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर हायरिंग FRM वेरी वेरी एग्रेसिवली। खर्चा यहाँ पर 1.7 लाख के आसपास आपका लगेगा, एंड यहाँ पर भी ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप BBA करते हैं और फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वहाँ पर चूज करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का डिस्कशन हम हर हफ्ते करते रहते हैं। एंड एट द सेम टाइम वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज यूट्यूब को भी पता चले कि ये वीडियो और लोगों को दिखाना चाहिए। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड टू पॉइंट नंबर 3, ACCA UK। नाउ ये कोर्स भी करने में हमें 2.5 से 3 साल का समय लगता है,
तकरीबन 4 लाख का हमारा एक्सपेंस इसके अंदर आता है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोर्स अकाउंट्स और ऑडिट फील्ड से है। इस कोर्स के अंदर वैल्यू एडिशन करने के लिए CFA आप कर सकते हैं, MBA फाइनेंस कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए CPA भी साथ में कर सकते हैं। और अगर ये फर्दर कोर्सेज नहीं भी आप करना चाहते हैं तो भी ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद एक अच्छी सैलरी पे अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपकी मदद करेगा। इसके साथ में BCom और BAF ग्रेजुएशन के लिए कुछ अच्छे कोर्सेज बनते हैं। अगेन, इस कोर्स के बारे में आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखें। एंड इफ यू लुकिंग टू स्टार्ट योर ACCA जर्नी तो यू कैन स्टार्ट इट विद 18 कॉमर्स अकेडमी। अगेन फॉर ACCA ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश बैच ऑन 27th of June। और डिटेल्स के लिए इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। कोर्स नंबर 4 CIMA UK, बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड से हैं, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज एक प्रोफेशनल को होती है अगर वो CIMA UK कंप्लीट करते हैं तो। इस कोर्स को करने में भी 2.5 से 3 साल का समय लगता है, जस्ट लाइक ACCA। फर्दर वैल्यू एडिशन के लिए आप CMA USA कर सकते हैं। ये कोर्स ACCA के साथ भी किया जा सकता है। एंड जस्ट लाइक ACCA, ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं यू कैन स्टार्ट राइट अवे। जी, अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज के भी। कोर्स नंबर 5 Chartered Accountancy। चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी जस्ट लाइक ACCA एक लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है जो क्लास 12th के इमीडिएटली बाद किया जा सकता है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज इस कोर्स को करने में 5 से 6 साल के आसपास का समय लगता है। तो अगर आपका इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट है और 5 से 6 साल की कमिटमेंट करने के लिए तैयार है तो ही इस कोर्स के अंदर आप एंटर करें। इस कोर्स को क्लियर करने के बाद भी कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, सिर्फ और सिर्फ CA क्वालिफिकेशन करने से बात नहीं बनेगी, ये आपको स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए। और यही मैंने मिस्टेक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है, जब वो CA परस्यू कर रहे होते हैं तो और कुछ उनके दिमाग में नहीं होता है, जबकि इट इज़ वेरी क्रूशल कि आपको अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना चाहिए वाइल यू आर स्टडिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आजकल डेटा एनालिटिक्स का नॉलेज होना या ऑटोमेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हो गया है इवन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्पेशली हाई पेइंग जॉब्स अगर आप पाना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन में आगे रहना चाहते हैं तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको करना ही चाहिए। और कुछ इसी तरह की चीज़ों में और स्किल्स के अंदर हम आपको मदद करते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, और इसलिए सब्सक्राइब रहना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको पता चचलता रहे कि क्या क्या स्किल्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। यहाँ पर कॉस्ट कहने को तो 2.5 लाख के आसपास हमारी आती है, बट क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन लंबा है तो मैं यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ACCA कर रहे हैं या CMA कर रहे हैं या CIMA कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द अपने जॉब के ऊपर अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी 5 से 6 साल लगते हैं तो यहाँ पर एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे सामने आ जाती है। क्योंकि जब हमारे दोस्त ऑलरेडी जॉब पर लग चुके होते हैं हम फिर भी 1 साल 2 साल बाद अपने पहले जॉब के लिए जाएंगे, एंड That's why the cost is not actually just 2.5 lakhs, it is 2.5 lakhs plus the opportunity cost that you missed while you are pursuing this course. The graduation that you can pursue along with CA is BCom, BCom Honors or BAF. Course number 6, Company Secretary Course. Now, सबसे पहली बात इस कोर्स की ये है कि ये कॉर्पोरेट लॉ के अंदर डील करते हैं, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर एक लॉजिकल माइंड की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं जी थ्योरी अच्छी है तो CS कर लो, जबकि ऐसा नहीं है। थ्योरी ज़रूर होती है यहाँ पर, लॉ ज़रूर आपको पढ़ना पड़ता है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए आपको लॉजिकल माइंड चाहिए। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर ट्रेमेंडस फोकस चाहिए होता है, नॉट जस्ट वाइल प्रिपेयरिंग बट इवन आफ्टर यू आर ए कंपनी सेक्रेटरी। मैंने कई सारे सेक्रेटेरियल ऑडिट्स करे जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मुझे पहले लॉ पढ़ना पड़ता था और उसका एप्लीकेशन उस कंपनी ने किया है कि नहीं वो चेक करना पड़ता था। ट्रस्ट मी, इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोकस। अगेन यहाँ पर भी 5 साल के आसपास का कमिटमेंट आपको करना होगा, सिमिलर टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यहाँ पर भी जो कॉस्ट है 2.5 लाख के आसपास रेंज करती है और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर भी आ जाता है बिकॉज ऑफ द टाइम ड्यूरेशन दैट इट टेक्स। कंपनी सेक्रेटरी के साथ आप BCom कर सकते हैं, लॉ के अंदर स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो साथ में LLB कर सकते हैं, या फिर सिंपली BBA इज ऑल्सो ए गुड कॉम्बिनेशन विद कंपनी सेक्रेटरी। और आखिरी कोर्स, कोर्स नंबर 7 इज CMA India। अगेन 5 से 6 साल का कमिटमेंट, 2.5 लाख के आसपास का एक्सपेंस और साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन होने की वजह से। अगेन दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव क्वालिफिकेशन, ये सिर्फ आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं बनाती, इसके अंदर आप लॉ भी पढ़ते हैं, ऑडिट भी पढ़ते हैं, अकाउंट्स भी पढ़ते हैं। बहुत ह्यूज स्कोप है इस कोर्स के अंदर, क्लियर करना इसे भी काफ़ी मुश्किल है CA और CS की तरह। एंड जस्ट लाइक CA and CS, CMA India इज ऑल्सो हाईली कॉम्पिटेटिव, यानी कि आप इस कोर्स को सिर्फ कर लें और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोर्स के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी
ध्यान दें ताकि आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस एज कम्पेयर टू अदर CMA इंडिया कैंडिडेट्स बढ़ा सकें। अगर आप एब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको अभी से ही बोल देता हूँ कि आपको इंडियन कोर्सेज परस्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉरेन कोर्सेज के लिए आपको जाना चाहिए। बट अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि हमको बाहर जाना है या नहीं जाना है, फिर भी आप फॉरेन कोर्सेज से शुरुआत कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू अगर CA करना चाहते हैं तो डायरेक्टली CA इंटरमीडिएट में चले जाएं, CMA करना चाहते हैं तो डायरेक्टली CMA इंटरमीडिएट में चले जाएं, एंड वैसे ही CS करना चाहते हैं तो डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में चले जाएं। टाइमलाइन में आपके करियर की कोई खास फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। कुछ कोर्सेज क्लास 12th के इमीडिएटली बाद मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। उसका रीज़न है जैसे CFP या CWM, ये है तो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज, क्लास 12th के बाद आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं, पर जब आप क्लास 12th के बाद इन कोर्स को कंप्लीट करते हैं और फिर जॉब के लिए जाते हैं तो एज ए एम्प्लॉई आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती और आपको सेल्स जॉब ही मिलते हैं और उसके अंदर भी आपको सैलरी वगैरह बहुत कम मिलती है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। इन कोर्सेज को अगर आपको करना है तो बाद में एज अ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जैसे CA के बाद या CMA के बाद, सो दैट आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो एंड देन आप एक अच्छी प्रोफाइल या एक्सपर्ट लेवल की प्रोफाइल भी टारगेट कर सकें आफ्टर CFP एंड CWM। CFA को लेकर भी मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ईयर वन से ही पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता। CFA का जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है ना, वो बहुत मुश्किल नहीं होता है, और इसलिए फर्स्ट ईयर से आप पढ़ना शुरू कर दो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप चाहें तो सेकेंड ईयर के एंड से या थर्ड ईयर की शुरुआत से CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बड़े आराम से आप CFA को क्लियर कर पाएंगे, एंड इसीलिए यू शुड अवॉइड स्टार्टिंग CFA फ्रॉम लेवल 1 इटसेल्फ। CPA USP एक बहुत अच्छा कोर्स है, बट आफ्टर क्लास 12th आप एलिजिबल नहीं होते हैं उस कोर्स के लिए। ग्रेजुएशन और उसके बाद एक आध साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, फिर ही आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। CPA USA के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, देख लें और अच्छे से जानने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। नाउ फाइनली, ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं कोर्सेज को लेकर के, कुछ छोटी मोटी बातें मैं और बता देना चाहता हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। पहली बात तो ये है कि कोई भी कोर्स आपको करना है तो अपना इंटरेस्ट आपको चेक करना बड़ा ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर कोर्स। दूसरी बात है कि दूसरों को फॉलो ना करें, खुद अपनी रिसर्च करें एंड मेक योर डिसीजन। एक बार कोई कोर्स शुरू कर दें तो फिर पीछे मुड़ के ना देखें, जो शुरू कर दिया उसे कंक्लूड करें, उसे फिनिश करने के ऊपर सारा फोकस अपना रखें। हर साल अपने करियर को रीअसेस करें। याद रखें, करियर प्लानिंग एक प्रोसेस है, इट इज़ नॉट ए वन टाइम एक्सरसाइज। और आप डिसाइड भी कर लेते हैं तो हर साल आपको रीअसेस करना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं सच में हमारी इंटरेस्ट की है और क्या सच में हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। मैं डाउट रखने की बात नहीं कर रहा मन में, बट यू शुड इवैल्यूएट एंड रीअसेस वेदर द करंट पाथ इज़ द राइट पाथ फॉर यू। और इन सब के अलावा भी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन है, और कमेंट सेक्शन से भी अगर बात नहीं बनती है, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो भी मुझे बता दें। आई होप इस वीडियो ने कुछ मदद करी होगी, आपके करियर डिसीजन के अंदर कुछ क्लैरिटी दी होगी कि फर्दर रिसर्च किस में करना चाहिए। आगे के आने वाले वीडियोस के अंदर ग्रेजुएशन में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उनके बारे में हम 2 एपिसोड और लाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें मिस ना करें, लाइक कर लें इस वीडियो को ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।